नहीं, सच्चाई की जीत हुई है और देश में न्यायपालिका ने साबित कर दिया कि इस देश में लोकतंत्र चलेगा, कानून का राज चलेगा। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस ने खुशी का इजहार किया है। सोमवार को डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर भगवान का शुक्रिया उनके दरबार पहुंचकर अदा किया। डिप्टी सीएम ने ऐतिहासिक बनौड़े महादेव मंदिर पहुंचकर मंत्रोच्चारण के बीच विधिवत पूजा अर्चना करते हुए भगवान का शुक्रिया किया। उन्होंने कहा कि भगवान से यह प्रार्थना की गई है कि भारत को संविधान द्वारा निर्मित कानून से संचालित किया जाए। आने वाले समय में जिन भी राज्य के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उन सभी में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ स्थापित होने वाली है। नहीं, सच्चाई की जीत हुई है और देश में न्यायपालिका ने साबित कर दिया कि इस देश में लोकतंत्र चलेगा, कानून का राज चलेगा। और जो तानाशाही तरीके से राहुल गांधी जी को संसद सदस्यता से मुक्त किया गया, उनका बंगला खाली करवाया गया, पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से केंद्र की सरकार कार्य कर रही थी, और आज उनकी सदस्यता बहाल हुई है। भोलेनाथ महादेव भगवान जी को हमने यहाँ पे शीश झुकाया है कि ये देश कानून से चले और यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित रहे। और राहुल गांधी जी के का रथ जो है उसको अब रोक पाना संभव नहीं है। हिमाचल से ये लहर चली थी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद कर्नाटक में बनी, और अब आगे जो राज्य आ रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे राजस्थान है, जिन भी राज्यों के चुनाव आते जाएंगे, कांग्रेस वहाँ पे स्थापित होती जाएगी।